और आप देखिए इसराइल हमास जंग और रूस यूक्रेन जंग के बीच जो बाइडन जिनपिंग की इस मुलाकात पर सबकी नजरें थी, सैन फ्रांसिस्को के फिलौली स्टेट पहुंचने पर जो बाइडन ने जिनपिंग का स्वागत कैसे किया ये तस्वीर भी एक तरफ आप देख पा रहे हैं, और फिर दोनों के बीच प्रतिनिधिमंडल जो डेलीगेशन लेवल है उसकी मौजूदगी में बात हुई है। आमने सामने की इस मुलाकात में दोनों देशों के आपसी तनाव को कम करने समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने माना कि आपसी तनाव को कम करने की आज बहुत जरूरत है। शी जिनपिंग ने तो यह तक बोला कि जब दुनिया की दो बड़ी इकॉनमीज है, यानी कि चीन का जिक्र किया, अमेरिका का जिक्र किया, ऐसे में दो बड़ी इकॉनमीज एक दूसरे की तरफ पीठ नहीं कर सकती हैं, यह तक बात कही गई। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जो बाइडेन जिनपिंग के बीच आपसी मुद्दों पर बात हुई है, वैश्विक तनाव के मुद्दों पर चर्चा हुई है, जंग से बढ़े तनाव के बीच दोनों की मुलाकात आखिर क्या असर दिखाएगी इस पर सबकी नजर है। मिलकर काम करने पर सहमति बनी है तो आपसी जो मुद्दे हैं अमेरिका और चीन के बीच इस पर तो बात बनी है, इस पर तो बातचीत हुई है, लेकिन जो इस वक्त जंग छिड़ी हुई है उस पर क्या हो रहा है, उस पर इस महामुलाकात में क्या बात हुई है, इस पर सबकी नजरें। एक और बड़ी खबर, जो बाइडेन से मुलाकात में जिनपिंग ने क्या कहा, वैश्विक तनाव का असर आपसी रिश्तों पर ना पड़े, हमारे रिश्ते उतार चढ़ाव से भरे हुए हैं, तो जिक्र किया गया है वैश्विक तनाव का, युद्ध के माहौल का, लेकिन इसका असर चीन और अमेरिका के रिश्तों पर नहीं पड़ना चाहिए, इस पर भी जोर दिया गया। और आइए विस्तार के साथ देखते हैं कि जिनपिंग ने क्या क्या कहा है इस मुलाकात के दौरान। वैश्विक तनाव का असर आपसी रिश्तों पर ना पड़े, यह जोर दिया गया है जिनपिंग की तरफ से। 50 सालों से दोनों देशों के संबंध ठीक नहीं रहे हैं, उतार चढ़ाव के बीच हमारे रिश्ते लगातार बढ़ते रहे हैं, चीन अमेरिका एक दूसरे को पीठ नहीं दिखा सकते, एक दूसरे से नहीं मुकर सकते, धरती बड़ी है जहां हम दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं, एक देश की सफलता दूसरे के लिए अवसर कैसे हो सकती है, इस बात का भी जिक्र शी जिनपिंग ने इस मुलाकात के दौरान किया। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, शी जिनपिंग से बोले जो बाइडन, दोनों देशों की प्रतिस्पर्धा तनाव में नहीं बदलनी चाहिए, इस बात पर भी जोर दिया गया। मुलाकात हमेशा उपयोगी साबित हुई है, इस साल दोनों की यह पहली मुलाकात है। यह आपको बता दें कि बीते साल यानी 2022 में बाली में मुलाकात हुई थी और तब ऐसा लगा था कि हो सकता है कि अमेरिका और चीन के जो रिश्ते हैं वो पटरी पर वो सुधरते हुए नजर आए, लेकिन फिर इसी साल की शुरुआत में जिस तरह से स्पाई बलून को शूट डाउन किया गया, जासूसी का आरोप चीन पर लगा, अमेरिका की तरफ से गंभीर आरोप लगाए, इसने रिश्तों को बेहद खराब कर दिया था।